हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु मिश्रा और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पाइथन कोडर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की, और इस वीडियो से हम लोग ऑपरेटर्स को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों के पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इस वीडियो को प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कीजिए, जिससे आप लोगों को पाइथन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो सके। तो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर। पाइथन में हम लोग को कौन कौन से ऑपरेटर दिए गए, तो अरिथमेटिक दिए गए हैं, रिलेशनल, इसके बाद में हम लोग को असाइनमेंट, लॉजिकल, मेम्बरशिप और आइडेंटिटी, छः तरीके के ऑपरेटर दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं आज जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए गए हैं इनको। तो हम लोगों को पाइथन में क्या मिलते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड टू दी पावर। ये हम लोगों को इतने ऑपरेटर पाइथन में मिलते हैं, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आप लोग जानते ही होंगे। और मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है, ये हम लोगों को रिमाइंडर देता है। मीन्स अगर हम लोग 15 को मॉड्यूलर डिवीजन दे 6 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोगों का आउटपुट हो जाएगा। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ये फ्लोर वैल्यूज को डिवाइड करता है, कन्वर्ट करता है इंटीजर वैल्यूज में, मतलब डिवीजन करता है, लेकिन जो आउटपुट फ्लोर में होता है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मींस इसकी मदद से अगर हम लोग किसी वैल्यू को डिवाइड करें तो ये हम लोग को हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही आउटपुट में देगा। मीन्स अगर हम लोग 15 को 6 से डिवाइड करना है फ्लोर डिवीजन से, तो वैल्यू कुछ 2.4 और 2.5 समथिंग आएगी, तो ये क्या करेगा, उस 2.4 या 2.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू बन रही होगी वो हम लोगों को दे देगा। तो मतलब जो भी आसपास की वैल्यू होगी, लाइक अगर 2.3 है तो ये 2 दे देगा, 2.99 होगा तो 2.2 होगा तो 2 दे देगा, 2.9 समथिंग कुछ होगा तो 2 वो 3 दे देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम लोग टू दी पावर देख लेते हैं। तो टू दी पावर क्या करता है, अगर हम लोग यहाँ पे दो वैल्यूज देनी रहती हैं, पहली वैल्यू रहती है जिसका हम लोगों को पावर निकालना है, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी कितने टर्म तक पावर निकालनी, मतलब 2 to the power 4 का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख के देखते हैं कि इस जो स्टेटमेंट को हम लोगों ने लिखा इसका मतलब क्या है, 2 to the power 4। तो जो आगे लिखेंगे वो हम लिखेंगे किसकी पावर, और जो लास्ट में एलिमेंट लिखा हो, वैल्यू लिखी होगी, वो होगी कितनी पावर। मीन्स अगर हम लोगों को लिखना है 3 to the power 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 और फिर डबल मल्टीप्लीकेशन लगा के फिर से लिख देंगे 3। तो इसका मतलब का पाइथन समझेगा कि 3 to the power 3 हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से 2 to the power निकलता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी के ऑपरेटर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।